मैं अजय श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको आनुभविक शिक्षण से संबंधित दादर नगर हवेली के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नो योर रूट। बिल्कुल सही, आप अपना रास्ता जानो। तो इस नवाचार के माध्यम से बच्चे शिक्षकों को अपने घर का पूरा रास्ता बताते हैं और उसके बाद वो मैप के माध्यम से एक पन्ने में या फिर एक चार्ट पेपर पे बना के भी दिखाते हैं कि आप विद्यालय से जाते समय कैसे जाते हैं, किधर मुड़ते हैं, लाइट राइट मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, सीधे जाते हैं, आगे कौन सा लैंडमार्क पड़ता है, किस स्ट्रीट पर जाना होता है उनको। तो ये सारी जानकारी शिक्षकों को देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में मैप को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं इसके लिए करने के लिए आपको क्या सामान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अगर मिल सके तो आपको अपने शहर का रोड मैप चाहिए होता है। अगर नहीं मिल सकता है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों के साथ में जब बात करते हैं तो सेम यही बात करते हैं, बेटा ये बताओ कि कैसे आप अपने जब घर जाते हो तो रास्ते में क्या क्या चीजें पड़ती हैं और किस तरह से मैपिंग करो उसकी। तो बच्चे मैपिंग करते हैं उससे और शिक्षक उनकी सहायता भी करते हैं और इसी के साथ साथ उनको ये भी बताते हैं, बेटा अच्छा एक बात बताओ, जब तुम आ रहे थे तो रास्ते में क्या कोई जल स्रोत पड़ा था? हाँ, जल स्रोत मतलब वाटर बॉडीज। क्या रास्ते में कोई हैंडपाइप मिला था तुमको? क्या कोई फाउंटेन मिला था तुमको? क्या रास्ते में कोई नदी या तालाब कुछ दिखा था? तो बच्चे इस तरह से भी रास्ता बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे ने बताया कि जब मैं घर से निकला तो मेरे घर के पास में एक फाउंटेन है, फुहारा है, मैंने उसको देखा। उसके बाद मैं रोड पे चला, मैं बस पे बैठ गया। जैसे ही मैं बस से जा रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ा। बस जैसे ही चर्च के आगे से जाके बाएं मुड़ी तो मैंने देखा वहां पे रास्ते में एक तालाब भी था। तो बच्चे इस तरह से वाटर बॉडीज के बारे में भी टीचर्स को बताते हैं। इसके साथ साथ टीचर रोज नया कुछ ना कुछ पूछते हैं कि बेटा जब आप रास्ते में आज आ रहे थे तो आज आपने रास्ते में क्या नया देखा। इस तरह बच्चे अपने दिनचर्या को बताते हैं और कुछ नया सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हम आशा करते हैं इस नवाचार को आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करेंगे। ऐसे कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो ZIIEI के Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।